भारत में किसी भी जगह की पहचान बताने के लिए उस जगह से जुड़ी हुई मशहूर खाने की डिश का नाम बताना बहुत जरूरी होता है। और पश्चिम बंगाल के साथ तो ये गजब का संयोग है कि पूरे देश भर में आप चले जाइए, बंगाल की पहचान बताने के लिए सिर्फ एक नाम काफी है, वो है बंगाल के रसगुल्ले। मतलब बंगाल के रसगुल्लों की इतनी बड़ी इमेज हो चुकी है पूरी दुनिया में कि दुनिया भर के लोग पश्चिम बंगाल को रसगुल्लों की धरती के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल मतलब वही इलाका जहाँ के रसगुल्ले फेमस हैं, और रसगुल्ला का मतलब पहले आदमी यही चेक करता है कि ये बंगाल का है कि नहीं। तो पश्चिम बंगाल की छवि से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ रसगुल्ला भी कभी पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधित हो सकता है, ये बात हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का सबसे मशहूर प्रतीक चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रसगुल्ला प्रतिबंधित कैसे हो गया, किसने किया, क्यों किया, और फिर उसको करने के बाद हुआ क्या, ये तमाम चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बता। रसगुल्ले पर प्रतिबंध साल 1965 में तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे प्रफुल्ल चंद्र सेन ने लगाया था। सवाल उठता है कि प्रफुल्ल चंद्र सेन को इस बात की क्या आवश्यकता थी कि वो पश्चिम बंगाल की सबसे प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ले पर पश्चिम बंगाल में ही प्रतिबंध लगा दें। इसके पीछे प्रफुल्ल चंद्र सेन के वो 20 वर्ष के कार्यकाली अनुभव थे जो उन्होंने 1942 से लेकर 1962 तक पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्रालय में रहते हुए प्राप्त किए थे। प्रफुल्ल चंद्र सेन 1942 से लेकर 1960 तक के समय में खाद्य मंत्रालय से जुड़े हुए थे, इसलिए पश्चिम बंगाल की खाद्य समस्याओं को बड़ी नज़दीकी से जानते थे। उन्होंने वो 1942 वाला बंगाल का भीषण दुर्भिक्ष भी देखा था जब हजारों जिंदगियां केवल भूख की वजह से तबाह हो गई थी। वो उस भूख को बड़ी करीबी से जानते थे, समझते थे कि जब छोटा बच्चा भूखा होता है तो उसे एक रोटी और एक गिलास दूध से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर वही ना मिले तो उसके प्राण संकट में पड़ते हैं, जनता का नुकसान होता है। पश्चिम बंगाल की बड़ी विभीषिका थी कि यहाँ दूध के उत्पादन से जुड़ी हुई चीज़ें अधिक मात्रा में बनती थीं लेकिन दूध का उत्पादन नहीं होता था। मसलन रसगुल्ला जिस दूध के फटने से बनता है वो रसगुल्ला तो खूब बनता था लेकिन दूध नहीं होता था। तो जब दूध की उत्पादन होता नहीं था और दूध की खपत मिठाई बनने की वजह से बहुत ज़्यादा होती थी तो दूध का भीषण अकाल पड़ जाता था। इतना भीषण अकाल कि बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों को प्रसव देने वाली उनकी माँ, जिनको शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दूध जैसी शक्तिवर्धक चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन माओं को भी दूध नहीं नसीब हो पाता था। कितनी कष्टदायक बात थी। प्रफुल्ल चंद्र सेन ने 20 वर्षों के खाद्य मंत्रालय के कामकाज के दौरान इन समस्याओं को बड़ी नज़दीकी से देखा था, इसलिए उन्होंने साल 1965 में जन भावनाओं को ध्यान में ना रखते हुए जनता को कड़वी दवाई के तौर पर रसगुल्ले पर प्रतिबंध का घूंट दिया। उस समय तमाम लोगों ने कहा था कि प्रफुल्ल चंद्र सेन को रसगुल्ले पर प्रतिबंध की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रफुल्ल दा भी ये बात कहीं ना कहीं समझते थे, लेकिन तत्कालीन समय में इस समस्या को सुलझाने का इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता था, इसीलिए प्रफुल्ल दा ने रसगुल्ले पर प्रतिबंध का निर्णय लिया। रसगुल्ले पर प्रतिबंध की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा के। सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए, जनता में आक्रोश इतना भीषण था, वामपंथी पार्टियों ने रसगुल्ले पर प्रतिबंध को लेकर पूरे बंगाल में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था जिसे लोग रसगुल्ला क्रांति के नाम से जानते हैं, और उस रसगुल्ला क्रांति के दम पर पश्चिम बंगाल की जनता ने आरामबाग के गांधी कहे जाने वाले प्रफुल्ल चंद्र सेन को आरामबाग की चुनावी सीट से विधायकी का चुनाव तक हरवा दिया था। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए, विधायकी की कुर्सी तक नहीं बचा पाए थे प्रफुल्ल दा। रसगुल्ला क्रांति के तूफान में प्रफुल्ल दा के तमाम टेंट उखड़ चुके थे, क्योंकि इसी दौरान कांग्रेस भी दो पालों में टूट चुकी थी। प्रफुल्ल चंद्र सेन के लिए ये निर्णय राजनीतिक अवसान का निर्णय था। इसके बाद राजनीति में हार के सिवा प्रफुल्ल दा को और कुछ नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ पॉलिटिक्स का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। रसगुल्ला क्रांति, रसगुल्ले पर प्रतिबंध जैसी बातें आपको पहली दफ़ा पता चली होंगी। अगर अच्छी बातें लगी हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, प्रफुल्ल दा का ऐसा जन अलोकप्रिय निर्णय आपकी राय में कैसा होता है किसी भी प्रदेश के मुखिया के लिए? क्या किसी भी प्रदेश के मुखिया को जनता की भावनाओं को ताक पर रखते हुए, जनता के हित साधते हुए फैसले करने की अनुमति होनी चाहिए? अगर हाँ तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर ना तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए पॉलिटिक्स, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल वीडियोज लगातार आप तक पहुँचते रहे।